हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एकेडमिक फॉर सीएसई यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस यूट्यूब वीडियो के माध्यम से मैं एनसीईआरटी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जो कि किसी भी कंपटीशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, भारत में यूरोपियों का प्रवेश और अंग्रेजों की विजय, इस टॉपिक के बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। इससे संबंधित जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, इससे क्या क्या प्रश्न और क्या क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, इसके बारे में मैं यहाँ डिस्कस करूंगा। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने वाला वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? यानी कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की थी और वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था? तो इसका आंसर होगा पुर्तगाल, यानी वास्को डी गामा पुर्तगाल का निवासी था। दूसरा प्रश्न है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हुई थी और इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 ईस्वी में स्थापित की थी। तो इसका आंसर होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, तो इसका आंसर होगा 1602 ईस्वी। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? इसके विकल्प हैं सूरत, कोचीन, गोवा और मसूली पटना। यानी कि दक्षिण भारत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो इसका आंसर होगा, जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से मसूली पटना। अंग्रेजों ने 1611 ईस्वी में मसूली पटना में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, जो कि दक्षिण भारत में स्थित है, और उसके बाद फिर सूरत में अपनी अस्थायी फैक्ट्री को स्थापित की थी। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? विकल्प 1664, 1616, 1668 और 1625 ईस्वी। तो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुई है और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा स्थापित की गई पहली फैक्ट्री 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। हड़प की नीति के तहत अवध को ब्रिटिश सरकार ने कब मिलाया? विकल्प है 1846, 1848, 1853 और 1856। हड़प की नीति के तहत अवध को ब्रिटिश सरकार ने कब मिलाया? तो अवध को 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिलाया गया था। और जो अवध को ब्रिटिश सरकार के द्वारा मिलाने का आधार है वह कुशासन है, यानी कि अवध के ऊपर कुशासन का आरोप लगाकर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने अवध को हड़प की नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया। अगला प्रश्न है, 1856 ईस्वी में अवध का नवाब कौन था? विकल्प हैं वाजिद अली शाह, निजाम शाह, बहादुर शाह, खुर्शीद कुली। यानी कि 1856 ईस्वी में जब अंग्रेजों ने अवध को हड़प की नीति के तहत अपने साम्राज्य में मिला लिया, उस समय अवध का नवाब कौन था? तो उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। तो इसका आंसर हो जाएगा क, वाजिद अली शाह। अगला प्रश्न है, लाहौर की संधि कब हुई? इसके विकल्प हैं 9 अक्टूबर 1845, 8 मार्च 1846, 5 नवंबर 1843, 6 जून 1848। तो दोस्तों, जो लाहौर की संधि है वह 8 मार्च 1846 ईस्वी को हुआ। लाहौर की संधि मुख्यतः अंग्रेजों और सिखों के मध्य हुआ था। अंग्रेजों द्वारा 1845-46 ईस्वी में पंजाब के साथ दो युद्ध किए गए और अंतिम युद्ध 1846 ईस्वी में लड़ा गया और 8 मार्च 1846 ईस्वी को लाहौर की संधि के साथ पंजाब ब्रिटिश साम्राज्य का अभिन्न अंग बन गया। तो लाहौर की संधि कब हुई? इसका आंसर होगा 8 मार्च 1846 ईस्वी। अगला प्रश्न है, श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने किस शासक के साथ किया? हैदर अली, रामचंद्र, टीपू सुल्तान, अलीवर्दी खां। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान के साथ किया था। देखिए, अंग्रेज और जो मैसूर हैं उनके बीच मुख्यतः तीन युद्ध लड़े गए थे। पहला युद्ध 1767 से 69 ईस्वी, दूसरा 80 से 84 ईस्वी, तीसरा युद्ध 90 से 92 और चौथा युद्ध 1799 ईस्वी में हुआ था। इसमें मुख्यतः जो 1799 ईस्वी में जो युद्ध हुआ वह मैसूर का अंग्रेजों के साथ अंतिम युद्ध था। उससे पहले
टिप्पू सुल्तान के साथ 1792 ईस्वी में तीसरे युद्ध के दौरान श्रीरंगपट्टनम की संधि की गई थी और टिप्पू सुल्तान और या अंग्रेजों के मध्य हुई थी। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई, उस समय मैसूर का शासक टिप्पू सुल्तान था। अगला प्रश्न है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रांत कौन था? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर और झांसी। तो दोस्तों, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला प्रांत हैदराबाद था। 1799 ईस्वी में हैदराबाद ने सहायक संधि को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा एक योद्धा की तरह मर जाना है? बहादुर शाह जफर, वीर कुंवर सिंह, लक्ष्मीबाई, टिप्पू सुल्तान। तो ये उपर्युक्त कथन जो है कि एक योद्धा की तरह मर जाना है, इसका एक और कथन है कि एक 100 दिन की तरह लोमड़ी बनकर 100 दिन की जिंदगी जीने से अच्छा है कि शेर की तरह एक दिन की जिंदगी जिया जाए। तो इसका आंसर होगा टिप्पू सुल्तान। तो ये जो स्टेटमेंट है कि काफिरों का दयनीय दास बनकर और उनके पेंशन प्राप्त राजाओं और नवाबों की सूची में शामिल होकर जीने से अच्छा एक योद्धा की तरह मर जाना है, तो इसका आंसर होगा टिप्पू सुल्तान। अगला प्रश्न है, सलवाई की संधि कब हुई? 1775 ईस्वी, 1782 ईस्वी, 1802 ईस्वी और 1815 ईस्वी। तो दोस्तों, जो सलवाई की संधि है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो 1775 से 1782 ईस्वी के बीच हुआ, उसके पश्चात सलवाई की संधि हुई थी, यानी कि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के बाद यानी 1782 ईस्वी में सलवाई की संधि हुई। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस कवि ने कहा है प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? नवीन चंद्र सेन, अवनींद्रनाथ टैगोर, सेनदास गुप्ता, मोहनलाल। तो इसका आंसर होगा नवीन चंद्र सेन। जब प्लासी का युद्ध समाप्त हुआ तो उसके बाद बंगाल में अंग्रेजी सरकार के द्वारा द्वैत शासन का शुभारंभ किया गया और उसी समय बंगाल के तत्कालीन समय के प्रख्यात कवि नवीन चंद्र सेन ने कहा कि प्लासी के युद्ध के बाद भारत के लिए शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ। अगला प्रश्न है, अम्बूर का युद्ध कब हुआ? 1735 ईस्वी, 1742 ईस्वी, 1749 ईस्वी और 1763 ईस्वी। तो दोस्तों, अम्बूर का युद्ध कब हुआ? 1749 ईस्वी में अम्बूर का युद्ध हुआ। अगला प्रश्न, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारी कंपनी कहाँ खोली? सूरत, कोचीन, पुलिकट, गोवा। तो पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कोचीन में स्थापित की थी 1503 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन सा था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क, फ्रांसिस्को डी अल्मोडा, डुप्ले, न्यूनो द कुन्हा। तो भारत में पहला फ्रांसीसी पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था। इसके बाद अल्फांसो डी अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक पुर्तगाली वायसराय रहा, लेकिन पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मोडा था। अगला प्रश्न है, बेदरा का युद्ध 1759 में जो कि हुआ था, किनके मध्य हुआ है? तो बेदरा का युद्ध, ऑप्शन अंग्रेज एवं फ्रांस, फ्रांस एवं पुर्तगाल, अंग्रेज एवं पुर्तगाल, अंग्रेज एवं डच। तो बेदरा का युद्ध अंग्रेज एवं डच के मध्य 1759 ईस्वी में हुई है। अमृतसर में हरि मंदिर साहब का निर्माण किसने कराया? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक, गुरु हरगोविंद, गुरु हरकिशन। तो इसका आंसर होगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर में हरमंदिर साहब का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, चार्ल्स द्वितीय को पुर्तगाली राजकुमारी से शादी के समय दहेज के रूप में कौन सा द्वीप प्राप्त हुआ? मद्रास, कलकत्ता, बंबई और गोवा। तो इसका आंसर होगा बंबई। अगला प्रश्न है, किस शासक ने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया? मुर्शीद कुली खां, अलीवर्दी खां, मीर कासिम और मीर जाफर। तो इसका आंसर होगा मीर कासिम। मीर कासिम 1760 ईस्वी में शासक बना बंगाल का, जो कि अंग्रेजों के सहयोग से बनाया गया था और इसने राजधानी को ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित किया था। अगला प्रश्न है, मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कौन सा था? थॉमस स्मिथ, सर थॉमस रो, कैप्टन हॉकिंस, इनमें से कोई नहीं। तो मुगल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था।
प्लासी का युद्ध कब हुआ? 23 जून 1757, 18 अक्टूबर 1757, 7 जुलाई 1764, 22 अक्टूबर 1764। तो जो विकल्प है उसके अनुसार प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज और तत्कालीन बंगाल के तत्कालीन शासक सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी के मैदान में, जो कि भागीरथी नदी के किनारे है, 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। अगला है, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का शासक कौन बना? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद इस युद्ध में सिराजुद्दौला की हार हुई थी और प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक बंगाल का शासक रहा और 1760 से 1763 तक मीर कासिम शासक रहा। तो आंसर होगा कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का शासक कौन बना, तो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर। अगला प्रश्न, 1760 ईस्वी में मीर कासिम ने शासक बनने की खुशी में अंग्रेजों को किस गांव की जमींदारी सौंपी गई? वर्धमान, मिदनापुर, चटगांव, उपर्युक्त सभी। तो 1760 ईस्वी में जब मीर कासिम बंगाल का शासक बना तो उसने खुशीपूर्वक, चूंकि वह अंग्रेजों की सहायता से शासक बना था, इसीलिए उसने अंग्रेजों को वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव, इन तीनों की जमींदारी सौंप दी थी। अगला प्रश्न है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782, 1803 से 1805, 1817 से 1818, 1825 से 1827। यानी प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी। इसी युद्ध के बाद शालाबाई की संधि 1782 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मराठाओं के मध्य हुआ था, जिसमें 20 वर्ष तक दोनों के मध्य किसी प्रकार का युद्ध न करने की बात कही गई थी। तो इसका आंसर होगा, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ? 1775 से 1782 ईस्वी। अगला और आज का लास्ट प्रश्न है, हड़प की नीति के तहत ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया पहला प्रांत कौन सा था? सतारा, नागपुर, झांसी, अवध। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सतारा। हड़प की नीति के बाद ब्रिटिश साम्राज्य में सतारा को सबसे पहले मिलाया गया था। तो दोस्तों आज का हमारा प्रश्न पूरा एनसीईआरटी का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है वो उसकी दृष्टि से उस वहाँ से एनसीईआरटी से ये क्वेश्चन सारे लिए गए हैं, जो किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों मेरी जो वीडियो आएगी वह एनसीईआरटी, करेंट अफेयर, इन सब का मिक्स्ड वीडियो रहेगा। तो आज का ये वीडियो पूरी तरह से भारत में ब्रिटिश सरकार और यूरोपियों के आगमन, विभिन्न जो यूरोपीय कंपनीज की स्थापना, उस पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई होगी। हम शीघ्र ही एनसीईआरटी के नए चैप्टर्स के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर मैं फिर से शीघ्र ही आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अगर आपको ये हमारे वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने दोस्तों के साथ इसे आज ही शेयर करें। धन्यवाद।